भगवान के दस दस पुत्र और एक एक पुत्रियां, कितना बड़ा परिवार। नारद जी ने एक दिन आकर के पूछा कि प्रभु सब ठीक है, आनंद में हैं आप? भगवान ने कहा बिल्कुल। तो बोले अपने नाती पोतों को कभी गिन लिया करो कितने हैं। भगवान ने कहा सब तो हैं। बोले अनिरुद्ध कहां है पता है? बोले अनिरुद्ध को तो देखा नहीं, बहुत दिन हो गया। बोले अनिरुद्ध को बाणासुर ने बंदी बना लिया है। अच्छा क्यों? बोले उसकी जो बेटी है ना, उसने एक दिन स्वप्न में अनिरुद्ध को देख लिया था। सो अपनी मायावी सहेली चित्रलेखा से कहा तो उसने रात में सोते हुए अनिरुद्ध जी का अपहरण कर लिया और योग माया से उसने आपके नाती को ले आई। और पुरुष की आवाज सुनकर सैनिकों ने बताई। सो मिल करके बाणासुर के लोगों ने आपके पोते को बंदी बना लिया है। भगवान ने कहा अच्छा चलो छुड़ाते हैं। और पूरी सेना लेकर के भगवान पहुंच गए युद्ध करने के लिए बाणासुर से। जब उसको पता चला कि बाणासुर भगवान स्वयं युद्ध करने आ रहे हैं तो बहुत डर गया। और डर करके उसने भगवान भोलेनाथ को बुलाया, बड़ी दिव्य स्तुति किया, परमात्मा प्रकट हो जाओ। और तब बाबा भोलेनाथ प्रकट हुए। क्या बात है चेला? बोले युद्ध करना है, करेंगे? ठीक है। भगवान तैयार होकर खड़े हो गए दरवाजे पर भोलेनाथ। और भगवान कृष्ण उधर से आए पूरी सेना लेकर के। तो कृष्ण भगवान को देख करके बाबा भोलेनाथ ने कहा प्रभु प्रणाम। तो भगवान कृष्ण ने भी कहा बाबा प्रणाम, आप कैसे आ गए यहां? कैलाश को छोड़कर यहां क्या कर रहे हो? तो बोले अपने चेलवा की तरफ से लड़ने आया हूं। अच्छा चेला को धोखा दे नहीं सकता हूं, तो ये चार तो चेले हैं हमारे पास, उनको भी धोखा देंगे दुकानदारी चौपट हो जाएगी। तो बाबा ने कहा जानते हो किससे लड़ना? अरे बोले किसी से लड़ना हो, लड़ना है? तो भगवान ने कहा हम ही से लड़ना है। तो कोई बात नहीं, आपसे ही लड़ेंगे, चेला के साथ दगाबाजी नहीं करेंगे। तो भगवान ने कहा मैं भी अपने पोते को छोड़ के नहीं जाऊंगा, चलो फिर। तो महाराज भगवान भोलेनाथ और भगवान कृष्ण में युद्ध छिड़ गया। और साधारण युद्ध नहीं, वहां विकट युद्ध छिना छिड़ गया। अरे महाराज चलने लगे, अस्त्र इधर से भी शस्त्र उधर से भी। जर ने आकर के परमात्मा की स्तुति की, नमामि त्वांत शक्तिं परेशां सर्वात्मानं केवलं व्याप्ति मात्रम् विश्वोत्पत्ति संस्थान संधोर हेतुम् यदत ब्रह्मा ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। भगवान ने कहा तो अपने बाबा को समझाओ मेरी स्तुति क्यों करते हो? अरे बोले आप तो समझदार हो ना। तो जाकर के रुद्र से कहने लगे, तुम ही ब्रह्मा परम ज्योतिर्गूढ़ ब्रह्माणि वांगमय यम पश्यन्तमलात्मना आकाशमिव केवलम। अब युद्ध ऐसा होने लगा कि भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन उठा लिया, तो बाबा ने भी अपना पशुपात अस्त्र उठा लिया। देवताओं ने कहा हो गया काम, आज ही सृष्टि में प्रलय आने वाला है। हाथ जोड़ करके कहा प्रभु आप तो समझदार हो ना, बाबा तो बाबा हैं, आप कुछ करो ना, क्या करते हो? पूरी दुनिया का विलय हो जाएगा। भगवान ने कहा अच्छा कुछ करते हैं। सो भगवान ने एक बाण चलाया जिससे भोलेनाथ को जमुआई आने लगी।
और जैसे ही बाबा भोलेनाथ को जमुआई आई, चुटकी बजाने लगे, मौका पाकर कि भगवान अंदर प्रवेश कर गए। और बाणासुर डर के मारा भागा, एक स्त्री को आगे कर दिया, प्राण बचाकर भागा, और अंत में उषा और अनिरुद्ध को लाकर गोविंद के चरणों में सौंप दिया। बाबा ने कहा, लाला तुम कब चले गए अंदर, हम समझ नहीं पाए। चलो कोई बात नहीं, हम भी तुमसे लड़ना थोड़ी चाहते थे, पर भक्त की बात है तो भक्त को तो धोखा दे नहीं सकते हैं। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। भगवान अनिरुद्ध और उषा को लेकर के अपने द्वारिकापुरी में पधारे। राजन,